हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न टेक में। आज हम बात करेंगे मेंस ट्रैक पैंट की। पैंट कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रेडिंग करते हैं, उसके बारे में आज बताएंगे। क्योंकि पजामा और ट्रैक पैंट एक ऐसी कैटेगरी है जिसका पैटर्न सेट करने में काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो आज हम सारे टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये मेजरमेंट है, एम साइज़ का पैटर्न हम बनाएंगे आज। रेडी लेंथ 42 इंच। रेडी लेंथ है 42 इंच। वेस्ट बैंड रेडी इलास्टिक है 13.5 इंच, और वेस्ट रेडी इलास्टिक स्ट्रेच हाफ चाहिए 20 इंच। हिप चाहिए 8 इंच बिलो वेस्ट बैंड 20 इंच। थाई चाहिए हमें 12 इंच 3/4 इंच बिलो क्रॉच। बॉटम ओपनिंग चाहिए 7 इंच, बॉटम फोल्ड 1 इंच चाहिए। तो इसे हम बनाते हैं। पजामे का पैटर्न बनाते हुए हमें फिटिंग्स का देखना होता है कि जो फिटिंग है वो कैसी है, स्ट्रेट फिट है, नैरो फिट है, पेंसिल फिट है या स्किन फिट है। तो फिटिंग के हिसाब से जो पजामों की शेप होती है वो फिटिंग के हिसाब से ही बनती है। तो जो ये मैं पजामा बनाने जा रहा हूँ ये स्ट्रेट फिट है, स्ट्रेट लोअर। तो 42 इंच हमें स्ट्रेट लेंथ चाहिए, और हमें जो थाई चाहिए वो चाहिए हमें 12 इंच। 12 इंच अब इसमें पॉइंट मार्क करेंगे थाई का। स्टार्टिंग में हम इसको 10 इंच पे ले लेंगे एक एस्टिमेट, उसके बाद में डिफाइन करेंगे कि राइज कहाँ पे सेट हो रही है। बॉटम ओपनिंग 7 इंच, यहाँ से इसको 7 पे लेके आएंगे। उसके बाद में हिप हमें वेस्ट स्ट्रेच चाहिए 20 इंच। कॉल की शेप देंगे यहाँ पे। हमें जो फ्रंट रे चाहिए 12.25 चाहिए विद बेल्ट, तो इंक्लूडिंग बेल्ट बना रहे हैं हम, इंक्लूडिंग बेल्ट ही बनाएंगे। तो अभी क्रॉच कम है तो हम इसे 2 इंच नीचे गिराएंगे और हल्की सी यहाँ पे शेप देंगे। अगर नी का मेजरमेंट नहीं है तो हमें लाइटली शेप देंगे, और अगर मेजरमेंट है तो हम नी का मेजरमेंट फॉलो करेंगे। ये हमारा हाफ मेजरमेंट हमने ले लिया है, अब इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो पजामे में फ्रंट बैक का जो डिफरेंस होता है वो क्रॉस से लेके बॉटम तक, बैक का पोर्शन हम 0.75 प्लस रखते हैं और फ्रंट का माइनस, जो एक स्टैंडर्ड होता है पजामे के पैटर्न का, वो यहाँ पे 1 से 1.5 इंच का डिफरेंस होता है बॉटम एरिया में, और क्रॉच के पास जो डिफरेंस होता है वो 1.5 इंच से लेके 2.5 पौने 3 इंच तक का डिफरेंस होता है यहाँ पे, और उसी शेप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नी पे डिफरेंस हो जाता है। तो उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। अब हम
यहाँ पे अलाइन पॉइंट्स को मेंटेन करेंगे। थाई को हाफ इंच और फ्रंट की राइज हमें 12.25 चाहिए थी, अभी ये 12.25 ही आ रही है। उसके बाद में हमें जो बैक की राइज चाहिए वो हमें चाहिए 15 इंच, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे जाएगी। अच्छा, जो ये शेप है बैक की, हम हल्की सी राउंड करते हैं, इसका भी मेथड बताएंगे, ये राउंड क्यों करते हैं हम अभी। हम थोड़ा सा इनसीम को माइनस कर सकते हैं। ये हमें 20 चाहिए था, थोड़ा सा प्लस हो रहा है तो इसको माइनस करेंगे। अब जो हमारा हिप का मेजरमेंट है 8 इंच फ्रॉम द बिलो ऑफ वेस्ट बैंड, 8 इंच पे हम इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मेजरमेंट्स पूरे हो रहे हैं। ये हमारा 10 इंच पे पॉइंट आ गया, अब इसको हम मेंटेन कराएंगे 10 इंच पे, हमारी हमारी हिप की मेजरमेंट इक्वल रहे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ये हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो गया। अगर हम थाई मेजर करें 0.75 फ्रॉम क्रोच बोला था, जो बायर का स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, थर्टीन और इलेवन या पर 12 इंच एग्जैक्ट आ रहा है, थोड़ा सा प्लस है। तो ये थाई भी कंप्लीट हो गई, आपकी हिप भी कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक रेडी है। ये हमारा स्ट्रेट फिट पैजामा रेडी है। अब इसमें हम सीम अलाउंस ऐड करेंगे
और इसकी ग्रेडिंग भी करेंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट, ये हमारा बैक हो गया, सीम अलाउंस ऐड करेंगे। एक इंच का सेल्फ होल्ड था तो एक इंच अप्लाई करेंगे। सेल्फ होल्ड 1.5 इंच, 1.5 इंच की इलास्टिक डालनी है तो ऊपर हमें 2 इंच का मार्जिन डालना पड़ेगा, और 2 इंच की इलास्टिक है तो 2.5 इंच का मार्जिन डालना पड़ेगा। अब हम पॉकेट का मार्क लगाएंगे। पॉकेट ओपनिंग हमें दी गई है 6, पॉकेट ओपनिंग हमारी 6.5 इंच है तो हम 6.5 इंच की पॉकेट और 11x7 की पॉकेट बनाएंगे, फ्रंट इनर पॉकेट बैग 11x7 की। अब हम यहाँ पे एक नोच लगाएंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच पे 1.5 इंच की इलास्टिक होगी और 1.5 इंच पे पॉकेट मार्क निशान लगता है ओपनिंग का, तो ये हमारा ओपनिंग का निशान हो गया, सॉरी इधर से, और 6.5 इंच की ओपनिंग हो गई, तो 6.5 इंच की 6.5 इंच की ओपनिंग हो गई। अब इसमें हम 11x7 की पॉकेट को ड्रॉ करेंगे, तो 11x7 यहाँ से हम पॉकेट लेंगे क्योंकि जो हमारी बेल्ट है वो यहाँ पे रेडी आएगी 1.5 इंच पे, ये हमारी बेल्ट आएगी और इससे हमने पॉकेट को मेजर करना है। एक हम स्क्वायर भी लेके बना सकते हैं उसको, यूपी स्क्वायर 11 लेंथ 7 विड्थ, और इसको हम पॉकेट की शेप दे सकते हैं या डायरेक्टली पैटर्न के ऊपर भी हम उसको शेप दे सकते थे। ये हमारी लेंथ होगी और ये हमारी विड्थ होगी। अब हम इस पॉकेट की शेप को देंगे। पॉकेट्स भी काफ़ी टाइप की बनती है, राउंड शेप में बनती है, स्क्वायर शेप में बनती है, तो वो जैसे भी बायर की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से बना सकते हैं। हमारे यहाँ जो हम लोग बनाते हैं पैटर्न वो हम इस शेप से बनाते हैं। ये हमारा पॉकेट बैग रेडी है, सीम अलाउंस ऐड कर देंगे। बैक पॉकेट पैच, बैक पॉकेट उसने दी है हमें 5 5 5 7 4 इंच 7 और जो बैक पॉकेट कट ओपनिंग है पौने 5 है, और उसकी प्लेसमेंट नहीं दी है हमें पॉकेट लगाने कहाँ पे, तो उसकी प्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगेगी। और एक पॉकेट ले लेंगे, कट पॉकेट है, पैच पॉकेट का नाप अलग है, तो हम पैच पॉकेट बनाएंगे। 5.625 4.87 पॉकेट स्क्वायर भी कर सकते हैं, शेप भी दे सकते हैं पॉकेट को। ये आप शेप हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं,
अब इस पॉकेट को हमें इस पे पैच करना है, क्या प्लेसमेंट लेनी है, कैसे लेनी है। ये हमें सेंटर से भी प्लेसमेंट दी होती है, साइड से भी दी होती है। जहाँ से प्लेसमेंट दी हो मेजरमेंट की, उसकी प्लेसमेंट पे जाके हमने इस पॉकेट को पेस्ट कर देना है। और ऊपर से भी प्लेसमेंट ले लेनी है, 1.5 इंच की बेल्ट होगी और 2 इंच प्लेसमेंट होगी, 3.5 इंच पे पॉकेट को प्लेस कर देंगे हम। पॉकेट को हल्का सा रोटेट करना पड़ेगा। इस पैटर्न को हम डिजाइन में जाके कन्वर्ट टू इंटरनल लाइन कर देंगे, ताकि ये पॉकेट का निशान यहाँ पे रह जाए। तो हमारा एक सिंपल सेल्फ फोल्ड ट्रैक पैंट रेडी है। इसके बाद में हम इसकी अपग्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। साइजेस डबल एक्सल तक बन रहे हैं, तो व्यू में जाके साइज टेबल बना देंगे। एल एक्सल डबल एक्सल एम एल एक्सल डबल एक्सल। अब हम इसकी ग्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे 1 1 इंच की ग्रेडिंग है, 1 1 इंच की है, थाई में 1/2 इंच की है, बोटो ओपनिंग में 2 सूत की है, एल में नहीं बढ़ रहा है, और क्रॉच में 2 2 सूत की ग्रेडिंग है, लास्ट में 1/2 इंच की है बैक में। तो ये हम ग्रेडिंग कर देंगे। लेंथ नहीं इंक्रीज होनी है, बिकॉज ऑलरेडी लेंथ काफ़ी फुल लेंथ गारमेंट है। सेम ग्रेडिंग बैक में हो जाएगी। डबल एक्सल में 1/2 इंच की ग्रेडिंग की हुई, तो डबल एक्सल में हम बैक राइज को 2 सूत बढ़ा देंगे, ताकि बड़े साइज में 1/2 इंच का डिफरेंस आ जाए। बैक पॉकेट में ऊपर हमें 1 इंच का मार्जिन चाहिए होगा, साइड हमें 1/2 इंच, क्योंकि ये रेडी करनी होती है पॉकेट फिनिशिंग के लिए। तो ये हमारा पैटर्न रेडी है सभी साइजेस के अंदर। तो आज हम इसका मार्कर भी आपको कंप्लीट करवा देते हैं। तो हमें फ्रंट का पेयर चाहिए होगा, बैक का पेयर, इसके हमें 2 पेयर चाहिए होंगे, बैक पॉकेट सिंगल चाहिए होगी। तो हम इसका आज मार्कर प्लान भी करेंगे। अब इसका हम मार्कर प्लान करते हैं। ये हमने फाइल सेव कर दी है।
और मार्कर ओपन करते हैं। किसी भी फ्रेंड्स को हमारे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ऑर्डर मशीन, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, ऑर्डर की कार्ट्रेस काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमारे खुद के ब्रांड की है, तो हमें इंक्वायरी डाल सकते हैं। ये पैटर्न हमने ले लिया पजामे का, स्टाइल नंबर लिख सकते हैं, रोटेशन डालेंगे, क्या रेशो लेनी है हमने, 1:2:1 के लिए लेनी है रेशो, टू वे फैब्रिक, और ये हमने मार्कर डेफिनेशन डाल देनी है। हमने 62 इंच पे लगाना है, 157 से, और वेस्टेज हमने छोड़ देनी है साइडों में। मार्कर की लेंथ भी हमें डालनी पड़ेगी। जीएसएम डाल देंगे हम, क्या फैब्रिक है हमारा जीएसएम। और हम इसकी नेस्टिंग कर देंगे। ये नेस्टिंग हो रही है, मल्टी कोर नेस्टिंग है, काफ़ी एडवांस नेस्टिंग है। ये एफिशिएंसी आ रही है, 85.05 एफिशिएंसी आ रही है। इस पैजामे के बाद हम पैजामे की और भी वीडियोस डालेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ, जेमनी के साथ। उसमें हम रिब वाली बेल्ट और एक सेल्फ फैब्रिक इलास्टिक बेल्ट, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताएंगे कि इनमें बेल्टें कैसी चेंज कर सकते हैं हम, या जोगर कैसे बनाना है, जोगर की शेप क्या रखनी है, क्योंकि तो ये तो स्ट्रेट फिट पजामा है, जोगर के लिए शेप चेंज करनी पड़ती है, और गर्लिश आइटम की शेप भी डिफरेंट होती है पजामे की। उसके बारे में भी हम आगे चल के वीडियोस अपलोड करेंगे, तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, तो ये मैं नेस्टिंग स्टॉप कर देता हूँ। अब हम इसका कंजप्शन देख लेते हैं क्या आता है, आ रहा है वेट पर बंडल। अभी आप नीचे देख रहे होंगे वेट पर बंडल आ रहा है 307 ग्राम, मतलब आपका 307 ग्राम का एक पीस का कंजप्शन आ रहा है, तो हम ये सेव कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।